नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए फतेहाबाद पुलिस ने हाथ में डंडा उठा लिया। बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों की डंडे से धुनाई भी की गई। शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ डंडे का इस्तेमाल किया गया। फतेहाबाद पुलिस ने आज बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ताई बरती। पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज रामधन सिंह द्वारा शहर के लालबत्ती चौक में मोर्चा संभाला गया। सड़क पर घूमने निकले व्यक्तियों के लिए पुलिस द्वारा पहले पूछताछ की जाती है और उसके बाद में अगर कोई ठोस कारण नहीं पता लगता है तो डंडे से उसकी शिकायत की जाती है। DSP दलजीत बेरीवाल ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान और उसे सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अगर इसके बावजूद कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। आप देखें पल पल की कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहे, कोई भी आदमी अननेसेसरी घर से बाहर ना आए। तो लोग मान भी रहे हैं, कई इसको अड़के में ले रहे हैं, जो बहुत ही भयानक होगा। तो क्या कार्रवाई रहेगी जो नियम तोड़ते हैं? खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, धारा 188 के तहत उसके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज करके उनको। अभी तक कोई FIR अपने यहाँ की गई है? अभी हमने अभी एक लॉज किया है FIR। जो मेन रोड पे दो सवारी पे है सर, उनका चालान कट रहे हैं या क्या सजा देंगे? चालान काट रहे हैं उनका, बिल्कुल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनका चालान काट रहे हैं और 188 की कार्रवाई भी कर रहे हैं। पता चोर नहीं पड़ने दो पैसों की क्या